हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। एंड आज हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग कर ली थी और आज हम करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस। लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। 85% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जो मेरे अभी के व्यूवर्स हैं। प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड यू नो जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए, सो इसको स्टार्ट करते हैं। नोट्स के बारे में भी मैं बताता चलूं, मुझे याद आया, नोट्स अगर आप लेना चाहें एग्जामिनेशन के लिए तो नोट्स आप ले सकते हैं जस्ट एट 100 रुपीज पर पेपर। और सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक साथ सारे के सारे नोट्स को लेते हैं तो मे बी आपको 10-20% ऑफ भी मिल सकता है। सो इट्स ऑल अप टू यू, और जितनी जल्दी लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक एग्जाम आते जाएगा आपको प्रिपरेशन करने का टाइम जो है वो भी बहुत कम मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से जो है इसको ले लें, ठीक है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग। नाउ हायर कॉस्ट, सबसे पहला है हायर कॉस्ट। तो यस, जो कॉस्ट होता है पर्सनल सेलिंग का ये काफी हाई होता है, क्योंकि जब आप किसी बंदे को अपॉइंट करते हो कि वो पर्सनली जाकर के किसी और बंदे से बात करे, मतलब कस्टमर क्लाइंट से बात करे कि आप हमारे प्रोडक्ट को ले लो एंड ऑल, तो उस केस में जो खर्च होता है वो आपको बेयर करना होता है ना। आपको उसको सैलरी देनी पड़ती है, आपको यू नो जो आने जाने का कन्वीनियंस फी है वो देना पड़ता है, देयर मल्टीपल यू नो खर्चे होते हैं। और जब आप किसी बड़ी कंपनी की बात करते हो तो फिर तो वहां पे अलग ही किस्सा वहां चल रहा होता है, वहां पे तो फिर सिचुएशन एकदम ही अलग हो जाता है, राइट। तो वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो हायर कॉस्ट एक बहुत बड़ा एक यू नो डिसएडवांटेज है, इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पर्सन सेलिंग इज हाई कॉस्ट ड्यू टू हायरिंग ट्रेनिंग कंपनसेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स पीपल सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवल एंड लॉजिंग ऑफ द सेल्स पीपल। कितने सारे एक्सपेंसेस आपको बता दिए गए, जब आप किसी पर्सन को भेजेंगे पर्सनल ये सेलिंग करने के लिए, उसमें उसके लिए पहले आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो जो बंदा ट्रेन करेगा वो तो फ्री में करेगा नहीं, वो खर्चे लेगा उसका, तो ट्रेनिंग के खर्चे आपके अलग हो गए। कंपनसेशन आप उसको दो, कहीं जा रहा है जो भी खर्च वगैरह होगा वो आपको जो है उसको देना पड़ेगा, है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस, उसको सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस वगैरह होती है, है ना, वो आपको देना पड़ेगा। बंदा जहां पे रुकेगा, जिसको जो सपोज यहाँ पे बड़े लेवल की बात हो रही है, सपोज आप दिल्ली की कंपनी हो, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है जयपुर में, जयपुर में आपका कोई पोटेंशियल कस्टमर है, आप उसके पास गए, तो जयपुर में आप जाओगे और काम करके आ जाओगे ऐसा तो होगा नहीं, आपको वहाँ स्टे करना पड़ेगा। जब आप स्टे करोगे तो लॉजिंग फूडिंग का खर्चा होगा, ये सारी चीजें कौन बेयर करता है, ये सारी चीजें जो है कंपनी बेयर करती है, राइट। Though many companies try to control cost by paying sales people through sales commission alone. बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, कम करने की कोशिश करती हैं, वो सिर्फ चाहती हैं कि सेल्स कम जो पीपल होते हैं उनको सिर्फ कमीशन ही मिले। कई लोग तो सैलरीज वगैरह भी नहीं देते हैं, सिर्फ कमीशन देते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलती। देयर बाई पेइंग देम ओनली इफ दे जनरेट सेल्स, उनको तभी सैलरी मिलती है या फिर पैसे मिलते हैं जब वो सेल्स को जनरेट करते हैं। जब तक आपका पोटेंशियल कस्टमर आपका एक्चुअल कस्टमर नहीं बन जाता आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं, है ना। ये भी हमें देखने को मिलता है, कई सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, पर नहीं करना चाहिए अगर देखा जाए तो। पर अगर वो लोग करेंगे तो क्या होगा, जो आपका कॉस्ट है वो हाई हो जाएगा। तो पर्सनल सेलिंग का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हाउएवर कमीशन ओनली सेल्स पीपल मे इंक्लूड परसुएडिंग कस्टमर्स एग्रेसिवली टू गेट द सेल्स विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू देयर नीड सेटिस्फैक्शन, है ना। तो यहाँ पे जो कमीशन ओनली सेल्स पीपल होते हैं ना, उनका सिर्फ ध्यान जो है कमीशन पे होता है, वो सिर्फ सामान को सेल करना चाहते हैं, एग्रेसिवली सेल करना चाहते हैं। मतलब वो लोग कई बार क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो लोग वहाँ पे उसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक तरीके से बताएंगे नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट मे रिजल्ट इन टू बैड वर्ड ऑफ माउथ, इसके कारण से जो है बैड वर्ड ऑफ माउथ देखने को मिलता है, जो लॉस ऑफ पीपल है वो हमें देखने को मिलता है, कि लोग जो है वहाँ पे आपके पास यू नो इंटरेक्ट ठीक तरीके से नहीं करेंगे, आपके पास से चले जाएंगे, है ना, वो हमें देखने को मिलता है। लॉस ऑफ रिपीट सेल, एक ही सेल जो है आपने कर दिया है उसको बार बार आप सेल कर रहे हो। देखो ये ऑनलाइन में ये चीजें बहुत होती हैं कि आपने किसी को यू नो इंश्योरेंस सेल कर दिया या कोई प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, आपने उसको क्या किया, दोबारा से सेल करके उसके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा दिए क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी है, ये देखने को मिलता है। तो इसके कारण से जो कस्टमर होता है वो गुस्सा आता है, वो नाराज होता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। Another way to reduce cost is that company can use telemarketing. अभी एक और तरीका है जो कॉस्ट को रिड्यूस करने का, कि telemarketing. अभी के टाइम पर telemarketing तो कॉमन हो गया, आपके फोन में इतने सारे कॉल्स आएंगे इंश्योरेंस को लेकर के,
अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो उसको लेकर के, डॉक्टर्स अगर आप सर्च कर रहे हो ऑनलाइन तो उसको लेकर के कि डॉक्टर्स हमारे यहाँ बैठते हैं. सो देयर आर मल्टीपल मल्टीपल बेनिफिट्स जो है वो लोग तरीके निकाल रहे हैं, बेनिफिट्स नहीं तरीके निकाल रहे हैं कि किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके. पर्सनल सेलिंग वाला, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल, मेल तो मतलब आप मेल खोल लोगे तो पागल ही हो जाओगे. पता नहीं, आई डोंट नो कितने लोग मेल खोल करके देखते हैं, बट हमारा तो सारा दिन ही मेल में गुजरता है. तो मेल का तो मतलब अलग ही लेवल है, ठीक है, वो अलग ही लेवल पे है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं. बट ये एक तरीका होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, है ना, क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट. ऑनलाइन कम्युनिकेशन में देखना, कई बार चैट चैट के थ्रू आप बातें कर सकते हो एजेंट से. अभी तो हालांकि बॉट वाला सिस्टम हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बॉट या फिर डिफरेंट जो चीजें हैं वो आपको आंसर नहीं दे पाती हैं, तो उस केस में फिर पर्सनल आदमी चाहिए आपको उस चीज के लिए, है ना. तो वो एक होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन विद क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग, बट दे आर इफेक्ट इन गेटिंग कस्टमर्स अटेंशन, ठीक है ना. तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल सेलिंग में, लेकिन इन सब तरीकों में भी खर्च है, ऐसा नहीं कि खर्च नहीं है. लेकिन हाँ, जब आप जाओगे किसी से पर्सनली मिलोगे तो उस चीज में क्या होगा, जो कॉस्ट जो होगा वो काफी हाई होगा, और यही इसका जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है. दूसरा पॉइंट है हाई टर्नओवर, है ना. तो इसमें जो है टर्नओवर ज्यादा हाई हो जाता है, हालांकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है कंपनी के लिए. इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको ठीक तरीके से समझा पाऊंगा. अनदर एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग, डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग इज दैट द इशू ऑफ हाई टर्नओवर रेट अमंग सेल्स पीपल ड्यू टू इट्स प्रॉब्लम ऑफ ट्रैवलिंग. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल, यहाँ पे जो खर्च की बात हो रही है ना उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है. जो टर्नओवर जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन इसको टर्नओवर नहीं कहना चाहिए था, एक्सपेंसेस बोलना चाहिए था. सो अनदर डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग इज द इशू ऑफ हाई टर्नओवर रेट अमंग द सेल्स पीपल ड्यू टू इट्स प्रॉब्लम ऑफ ट्रैवलिंग, नो फिक्स्ड आवर्स, स्ट्रेस ऑफ ऑब्टेनिंग सेल्स, प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट कस्टमर्स एक्सेट्रा, है ना. तो यहाँ पे टर्नओवर टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर में तो सेल होता है, पर यहाँ पे कुछ और ही है, ठीक है. मे बी यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, आई टॉक यू अबाउट. लेकिन इसमें जो जो बात बताने की कोशिश की जा रही है ये यही है कि यहाँ पे चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, यहाँ पे आप चीजों को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है सेल्स पर्सन को, वो झेलनी पड़ रही है. यहाँ पे एक्सपेंसेस स्ट्रेस की ही बात हो रही है. एज अ रिजल्ट इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू सेल्स पर्सन. इसके कारण से क्या हो रहा है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हो और ट्रेन कर रहे हो एज अ सेल्स पीपल, है ना. तो जो कंपनी का जो टर्नओवर है, सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप बार बार समझो इसको, सेल्स की बात नहीं हो रही है. एक टर्नओवर होता है साल भर का कि कितने का आपने जो है सेल किया, है ना, वो टर्नओवर हो गया, रेवेन्यू हो गया. लेकिन यहाँ पे जो टर्नओवर है, यहाँ पे आपका जो खर्च है, आपकी कंपनी के जो खर्चे हैं उसकी बात हो रही है कि खर्च ज्यादा पड़ रहा है, जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि चीजें जो है ऑर्गेनाइज नहीं होती है. तो ये एग्रेसिव, ये चीजें तब होती है जब आप एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर ध्यान देते हो, रादर देन कि आप कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सको. ऑल्सो कंपनीज फेस द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग सुटेबल गुड क्वालिटी सेल्स पीपल. ये भी देखने को मिलता है कि कंपनी को जो है सही सेल्स पीपल नहीं मिल पाते हैं. जैसे मैंने कहा प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर सब कुछ सही है और फिर भी आपका सेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो आपका सेल्स पर्सन है वो निकम्मा है, वो काम चोर है, ठीक है ना. तो सही बंदा मिलना भी अभी के टाइम पर बहुत मुश्किल है, और यही देखने को मिलता है हमें. माफी चाहूंगा. तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन कम्युनिकेशन. ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो भी यही है कि अगर आपके पास सेल्स पीपल बहुत ही अच्छा होगा, उसके पास सारी नॉलेज होगी प्रोडक्ट प्राइस क्वालिटी हर एक चीज के बारे में, तो वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा, है ना. लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन जो सही बंदा है उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो नहीं है, वो अगर नहीं होगा तो फिर आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, और ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है. जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, है ना. अनदर वीकनेस ऑफ पर्सनल सेलिंग इज दैट सेल्स पीपल ऑफ अ कंपनी मे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, है ना. तो ये भी देखने को मिलता है जो पर्सनल सेलिंग में कि जो सेल्स पर्सन होते हैं वो अलग अलग कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना. तो उसके कारण से जो स्टैंडर्डाइजेशन है उस पे अलग देखने को मिलता है. अब सपोज कोई बंदा आया आपके पास सूट बूट लगा करके, बहुत बड़ी कंपनी का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स पर्सन है, है ना. और कोई बंदा आया उससे भी बड़ी कंपनी का आया, लेकिन वो जो है वो सूट बूट लगा करके नहीं आया, वो सपोज शॉर्ट्स में आ गया, तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या लगेगा कि जो बंदा सूट बूट में आया था वो ज्यादा अच्छा था. पर ऐसा नहीं है, है ना. जो बड़ी कंपनी वाला बंदा है, बड़ी कंपनी तभी बड़ी कंपनी बनी है जब उसके इंप्लॉइज अच्छे हैं, लेकिन जस्ट उसका अपियरेंस अच्छा नहीं है, आपको क्या लगेगा कि वो सही नहीं है. बात करने का तरीका अगर उसका अच्छा नहीं होगा तो वो कंपनी के लिए बुरा है. बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, जो यहाँ पे बोला गया है कम्युनिकेशन वाला गैप,
वो अगर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, आप क्या उसके उससे सामान लोगे? क्योंकि आपको लगेगा कि बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट के बारे में तो ठीक से वो जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन जो अच्छा जो सूट बूट वाला बंदा है उसके पास पूरी जानकारी है, वो छोटी सी कंपनी है, ठीक है ना, तो आप उससे लेकिन ले लोगे सामान, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अनदर वीकनेस ऑफ पर्सन सेलिंग इज दैट सेल्स पर्सन ऑफ अ कंपनी में डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। एज कस्टमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, कस्टमर भी एक दूसरे से अलग होते हैं, डेफिनेटली अलग होते हैं, सेल्स पीपल वेरी इन देयर फाइनल कम्युनिकेशन मेड टू देम। इसके कारण से सेल्स पीपल जो है वो भी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैं बहुत ही एक्सट्रीम चला गया, उनके बारे में नेगेटिव मैंने ज्यादा बोल दिया, बट ऐसा नहीं है, कई बार कस्टमर्स भी आपको सी वाले मिलेंगे, ठीक है, तो वो भी देखने को मिलता है। इवन द सेम सेल्स पर्सन मे डिफर इन हैंडलिंग ऑफ सिमिलर कस्टमर्स ईच टाइम ड्यू टू डिफरेंसेस इन सर्कमस्टेंसेस। अब ये भी देखने को मिलता है कि जो बंदा एक कस्टमर से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, दूसरे कस्टमर से जिसको सेम चीज चाहिए उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस अलग है। सपोज उसको घर निकलना है, उसी टाइम पे कोई क्लाइंट आ गया, तो वो बंदा कैसे बताएगा, वो तो हड़बड़ी में निकल जाएगा ना, समझ रहे हो आप? तो ये भी देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट देयर मे बी वेरिएशन इन रिजल्ट। अब इस चीज में देखो, आपको लगेगा कि एड वाला सही है क्योंकि एड में सब कुछ दिख जाता है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन पर्सनल वाले में आपको पर्सनली टाइम देना जरूरी होता है ना। सो एज अ रिजल्ट देयर मे बी वेरिएशन इन रिजल्ट एंड इट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेलिंग एफर्ट्स विद रेस्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, है ना। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, जस्ट इन सब चीजों के कारण हमें जो है रिजल्ट में डिफरेंट देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज की कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं था, है ना, या फिर अच्छा था, अच्छा होगा तो वेरिएशन और बेहतरीन होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये एक डिसएडवांटेज जो कि हमें देखने को मिलता है। चौथा है, सेल्स पीपल में वैरी इन देयर एबिलिटीज एंड मोटिवेशन। जो सेल्स पीपल होते हैं वो वैरी कर सकते हैं अपने एबिलिटी और मोटिवेशन में, है ना, डेफिनेटली वैरी कर सकते हैं। किसी की पढ़ाई बहुत अच्छी जगह से हुई है, किसी की पढ़ाई बहुत अच्छी जगह से नहीं हुई है, तो दोनों में जो यू नो बात करने का तरीका होगा, जो उन लोगों की एबिलिटी होगी, जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। सो मेंबर्स ऑफ द सेल्स पर्सन में वैरी इन देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन भी एक फैक्टर है, किसी को पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो वो हाईली मोटिवेटेड है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, सेल करूंगा तो और ज्यादा मिलेगा, कमीशन ज्यादा मिलेगा, है ना। किसी को कम मिल रहा है तो वो बहुत कम हाईली मोटिवेटेड है, तो वो ठीक तरीके से आपको बता भी नहीं रहा चीजों को, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई पैसे तो आ ही नहीं रहे हैं, है ना। एक शाहरुख खान की बहुत ही एक फेमस डायलॉग है जहाँ पे वो कहता है कि आई ऑलवेज वर्क यू नो मोर देन व्हाट आई हैव पेड फॉर। जितने पैसे मुझे मिले हैं मैं उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। तो यही लाइफ का फंडा भी होना चाहिए कि जितने जितना आपसे उम्मीद की जाए आप उससे ज्यादा काम करके दो, ताकि सामने वाला बंदा आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करे, बहुत जरूरी है। वेरी इन देयर लेवल्स ऑफ मोटिवेशन लीडिंग टू वेरिएशन इन देयर सेलिंग एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पीपल में वेरी इन देयर एबिलिटी टू मेक द डिजायर्ड नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स ईच डे और इन देयर विलिंगनेस टू पुट इनफ एफर्ट टू प्रिपेयर फॉर प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, है ना। तो ये भी हमें एक देखने को मिलता है कि जो सेल्स पीपल है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है तो बहुत अच्छे से ध्यान दे करके बना रहा है, कोई बना रहा है तो बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा या नहीं देना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि उसका मोटिवेशन डिफरेंट डिफरेंट। तो सेल्स पीपल के काम करने के तरीके में भी डिफरेंट देखने को मिलता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ की उनकी एबिलिटी कितनी है, मोटिवेशन कितना है, बल्कि वो खुद भी कितना चाहते हैं। अगर बंदा एकदम नेगेटिव है तो कितनों आप उसको मोटिवेट कर लो वो बंदा नहीं करने वाला काम, ठीक है ना। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन सही तरीके से आप तभी कर पाओगे जब आप वैसे बंदे होगे, है ना। तो ये देखने को मिलता है। और देखो हर दिन आपको सेम तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, हर एक दिन जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों से बात करना रहता है। तो यहाँ पे जो है जो विलिंगनेस है यू नो सेल्स पर्सन का, वो सही होना चाहिए काम करने को लेकर के, क्योंकि अगर वो उसका विलिंगनेस नहीं है प्रेजेंटेशन को लेकर के, काम करने को लेकर के, तो फिर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। सेल्स मैनेजर नीड्स टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट इन मैनेजिंग ईच मेंबर ऑफ द सेल्स देम टू गेट द बेस्ट फ्रॉम देम, है ना। तो जो सेल्स मैनेजर है यहाँ पे जो सेल्स पर्सन को मैनेज कर रहा है, उसके पास उसको भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उन सबको मैनेज करने के लिए। और ये तो मतलब जग जाहिर है, आपको खुद भी दिखेगा, बहुत सारी क्वालिटीज तो हो सकता है आपके अंदर भी हो, तो उन सब क्वालिटीज को निकालना है अपने लाइफ में से, तभी हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस या फिर इधर उधर की चीजें देखते हैं। तो बोला जाता है कि भाई अपना बेड खुद से बनाओ, सुबह सुबह उठो, ये करो वो करो, तो ये चीजें आप जब तक करोगे नहीं आप बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। तो बेहतर इंसान बनने के लिए, और सेल्स पर्सन सभी होते हैं, सभी अपनी बात, अगर आप किसी से अपनी बात मनवा पा रहे हो तो वो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो, ठीक है ना। भले वो मॉनेटरी टर्म्स में ना हो, लेकिन अगर आपकी बात कोई मान रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स यू आर सेलिंग देम,
वॉट एवर यू आर सेलिंग। सो या फिर मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी कोई भी बात हो सकती है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, एंड लेट्स मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।